तो आज शाम यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं श्री जगन्नाथ जी का उत्सव मनाने के लिए, और हमें इस विषय में हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए, इसके बारे में बहुत गहरी पहचान कराने के लिए हमारे मंदिर के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु यहाँ उपस्थित है। आप में से अधिकतर लोग जो मंदिर से संबंधित है उनके बारे में तो काफ़ी जानते हैं, पर वो जो आप पहली बार आए हैं यहाँ पर या उनसे अपरिचित है, उनके लिए मैं दो शब्द बता देता हूँ कि श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट, और इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से अपनी स्पीच एंड हियरिंग थेरेपी की है, और वो प्रैक्टिस करने के लिए मुंबई आए थे आज से करीबन 15 से 20 साल पहले, 20 साल पहले या उससे भी अधिक। पर आके इन्होंने ये पाया कि जिनको हम समझते हैं कि हैंडीकैप्ड है, उससे अधिक हैंडीकैप्ड हम जैसे लोग हैं कि जो जीवन की वास्तविक सच्चाई से दूर है। तो इसीलिए उन्होंने अपना जीवन इस शुभ कार्य के लिए अर्पित किया है कि हम जैसे लोगों को वो एनलाइटन करें, बताएं कि वास्तव में स्पीच क्या है और वास्तव में व्हाट इज़ हियरिंग। तो और प्रभु जी देश विदेश में भी संचार करते हैं, जगह जगह जाके प्रवचन करते हैं, देश भर में प्रवचन करते हैं, और ख़ास करके कॉन्ग्रीगेशन टीचिंग इनकी खासियत है। जहाँ जहाँ ये जाते हैं एक पूरा कॉन्ग्रीगेशन खड़ा हो जाता है केवल इनकी प्रचार के बल पर। तो अब मैं प्रभु जी को आमंत्रित करूँगा। अच्छा, तो हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि राधा गोपीनाथ के प्रभु जी के संग संग गौर गोपाल प्रभु जी भी मंच पर साथ में पधारेंगे, और आप एक के बदले दोनों से प्रवचन सुनेंगे। प्रभु जी स्वयं इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे से ग्रेजुएशन करके यहाँ पर आए हैं मुंबई, उनको भी करीबन 15-20 साल के करीबन हुआ है, और वो खास करके इंटरनेशनल प्रीचिंग अधिक करते हैं, लंदन, US और जगहों पर भी वो आते जाते रहते हैं, और यूथ प्रीचिंग में भी उनका काफ़ी गहराई है। और इस तरह से अभी फिलहाल हाल ही में उन्होंने कफ परेड में एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, खास करके मंदिर में भगवत गीता के विषय में वो चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स ये प्रीचिंग कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर अभी शुरू किया है जो जेडी सोमानी स्कूल में अधिकतर होता है। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि ये दोनों ही महान भक्त हमारे बीच में हैं और हमें इस विषय में वो संबोधित करेंगे। तो मैं उन दोनों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और हमारी जानकारी बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। माधव कुंज विहारी जय, जय राधा
माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना राधा माधव कुंज विहारी प्रभु
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के इस बहुत ही सुंदर वातावरण समुद्र के तट पर ऐसे लग रहा द्वारका में आए हम। वातावरण भी बहुत सुंदर और ये जगन्नाथ जी की उत्सव जो यहाँ बनाए हैं इसमें आए सब श्रद्धालु भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। कुछ साल पहले सूरत में जब रथ यात्रा हुई थी तो रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को सुंदर आसन पर बैठाया गया। तत्पश्चात आरती हो रही थी और मैं पीछे खड़ा था तो एक कोई नए व्यक्ति आए थे, उन्होंने एक भक्त खड़े थे उनसे पूछा कि कृष्ण बलराम और सुभद्रा ही है ना उनके बहन। उन्होंने कहा वही है। तो जगन्नाथ जी को देखकर बोले ये ऐसा स्वरूप क्यों है इनका। तो मैं सोच रहा था कि ये भक्त क्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हाई वोल्टेज का करंट लग जाए तो क्या होगा। मुझे भी थोड़ा करंट लगा ये सुनकर। तो उन्होंने कहा स्तब्ध हो जाता है आदमी, बोले बस यही। जब कृष्ण को करंट लगा तो ये उनकी परिस्थिति हो गई। ये कौन सा करंट था? ये हाई वोल्टेज वाला प्रेम का करंट था। द्वारका में जब रुक्मिणी सत्यभामा आदि सारी महिषियां रोहिणी देवी से पूछने लगी, कहने लगी कि नाम के लिए तो कृष्ण हमारे साथ हैं पर हमेशा सपने में भी कभी कभी तो जागे हुए भी
गोपी गोपी राधे राधे ललिता हे विशाखे हे ललिते, बस यही कहते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है इनमें कि ये हमेशा ऐसी महिषियाँ 16108 महिषियाँ इनके बीच में होते हुए भी उन वृंदावन के ब्रजवासियों को याद करते हैं। और तब रोहिणी जी ने कहा कि मैं कहूंगी पर अगर कृष्ण सुन लेंगे इसे तो फिर बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, और इसीलिए दरवाजे पे आप किसी को खड़ा करो। जैसा हमने सुंदर नाटक में देखा, राधा रानी ने कृष्ण को द्वारपाल बना दिया, इसी तरह से सुभद्रा मैया को द्वार के पास खड़ा किया गया। और तत्पश्चात माता रोहिणी महिषियों को सुनाने लगी ब्रज की कथा, भगवान के सुंदर एक ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण एक गोप रूप में, जो बहुत ही यहाँ ऐश्वर्यशाली रूप है द्वारका में एक राजा के रूप में, और वहाँ जो है एक गोप रूप है जो माधुर्य उनकी मधुरता भगवान की जो माधुर्य है भगवान ये प्रकट होता है। तो वो सुनने लगी, और जब सुभद्रा माँ सुन रही थी तो वो उस प्रेम से स्तब्ध होकर उनका स्वरूप ऐसे हो गया जैसे कछुए हाथ पैर अंदर कर लेते। कूर्मोंगानी व सर्वशः, गीता में भगवान कहते हैं एक आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ति भी ऐसे होता है कछुए जैसा। आप देखेंगे मंदिर के सामने, पुराने मंदिर जाएंगे तो मंदिर के सामने एक भगवान का दर्शन करने के लिए आप खड़े होते हैं तो वहाँ कछुआ सामने रखे रहे, ये इसी चीज़ का प्रतीक है कि अपने इंद्रियों को यहाँ प्रकट करो, आँखों से भगवान के सुंदर स्वरूप को देखो, कानों से उनका कीर्तन सुनो, घ्राण इंद्रियों से भगवान को चढ़ी हुई जो तुलसी है फूल है इनका सुगंध लो इत्यादि, हाथ से हाथ उठाकर कीर्तन करो, पैर से नाचो, यहाँ इंद्रियों का उपयोग होना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों से इंद्रियों के मालिक ऋषिकेश इनकी सेवा यही भक्ति है। और जब बाहर जाओगे इंद्रियों को अंदर कर लो, ये आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का लक्षण है। कुर्मोंगानी व सर्वशः, तो इस तरह से प्रेमोन्माद होकर सुभद्रा मैया का हाथ पैर एकदम अंदर चला गया एक कूर्म के समान, और वहां से कृष्ण और बलराम जी आए और उन्होंने जब देखा ये बोले ये कौन है, ये क्या है, बाद में पता चला तो सुभद्रा मैया हमारी बहन ही है। बोले ऐसा स्वरूप क्यों हो गया, देख ही रहे तो उन्हें आवाज आया कुछ बातचीत चल रहा है अंदर, और तब दोनों कान लगाकर सुनने लगे। और जब उन दोनों ने सुना ब्रज के ब्रजवासियों का कृष्ण के साथ आदान प्रदान का वर्णन, प्रेममय आदान प्रदान का वर्णन, वो भी स्तब्ध हो गए, आंखें बड़ी हो गई, हाथ पे अंदर चले गए। तो ये जो स्वरूप है उस भक्त ने बताया, भगवान को जब हाई वोल्टेज प्रेम का करंट लगता है तो ये परिस्थिति होती है। ये हाईली चार्ज्ड अप भगवान, आप उंगली रखोगे तो आपको भी चार्ज मिल जाएगा, और पूरे चार्जेस के साथ देख रहे हो, इनकी आंखें इतने विशाल हैं कोई बच नहीं सकता आंखों के रेंज से, उनको भी कृपा मिल जाएगी। और ये बता रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इनके स्वरूप के द्वारा पूर्ण विश्व के लिए हमेशा के लिए घोषित कर रहे हैं कि जीवन की परम लक्ष्य प्रेमा अपमार्थो महान, ये प्रेम भगवत प्रेम, भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम और भगवान का भक्तों के भक्ति के प्रति प्रेम, ये जो आकर्षण है ये जो प्रेम है इसे प्राप्त करना जीवन का अंतिम उद्देश्य है।
चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष, पर ये पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। एक बार मैं औरंगाबाद जा रहा था तो ट्रेन में जब बैठा हुआ था तो मेरे सामने एक प्रोफेसर बैठे हुए थे कोई कॉलेज के, वो देखे कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक प्रश्न पूछूं। मैंने कहा जीवन का उद्देश्य है प्रश्न पूछना, पूछिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य है प्रश्न पूछना, सही प्रश्न पूछना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जो नहीं चाहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये क्यों हमें सता रही है, हम जो चाहते हैं सुख आनंद संतोष मन की शांति ये क्यों हमें उपलब्ध नहीं हो रही, ये प्रश्न पूछ।